क्या आज लगा आपको योगी आदित्यनाथ आए हैं यहाँ पर, 5 साल बाद वो यहाँ पर आए, क्या भरोसा दिलाकर गए गैरा नवासियों को? नहीं, 5 साल बाद क्यों आए, अभी आए थे, पीछे से आते रहे हुए थे यहाँ तो। क्या दिखाई दे रहा आपको योगी आदित्यनाथ ने, कैसे माहौल बदला यहाँ का? माहौल बदल रहा जी। सुरक्षा की बात करते हैं भैया, क्या वाकई सुरक्षा मिल पाई कैरा नवासियों को? पलायन का मुद्दा तो हटी गया, पलायन वाले सारे वापसी आने लग रहे, पलायन जो कोई बाहर चले गए थे सब आ लिए, धीरे धीरे सब आ लिए। सुरक्षा तो इतनी, रात को 12 बजे निकल लो, 2 बजे निकल लो, कोई दिक्कत ही नहीं, मजा ही मजा। योगी जी आएंगे, मजा आ रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, जो गुंडागर्दी का माहौल था वो वाकई सही हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? इरशाद खान। इरशाद जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है योगी में कुछ जलवा है कि सिर्फ बात बात है? नहीं, ठीक है, अपना जो हमारे यहाँ का प्लान मुद्दा था वो बहुत सही रहा, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को भी जरा से भी, यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है और 95% लोग आपस के हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते हैं और 1947 से कोई आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा हिसाब चल रहा है। लेकिन जो 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 पलायन कर रहे थे परिवार, जिनको डराया धमकाया जा रहा था, रंगदारी मांगी जा रही थी, क्या वो भरोसा हुआ है? वो आपसी गुंडागर्दी हो या इस तरह से रंगदारी या चिट्ठी भेजकर पैसे लेना, अब वो नहीं रहा यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो जो है ऐसा है, ऐसा मामला है, जिसका रोजगार यहाँ नहीं है वो बाहर जाता है, जिसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़े, आज तक इन्होंने स्कूल एक डिग्री कॉलेज खुला है एक, और कोई इंटर कॉलेज मुस्लिम लड़कियों का कोई इस तरह का कोई नहीं है इसमें, ये इनको चाहिए कि एक कॉलेज और दें इस तरह का। आप किस तरीके से देखते हैं योगी यहाँ आए, माहौल बदल गए कि नहीं? कल तो जयंत आए थे, कह रहे थे सिर्फ बकवास करेंगे योगी और कुछ नहीं। सबसे पहले तो नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी न्यूज दिखाते हो, बेबाक बेखौफ। योगी जी 100% आएंगे, आपको दिख भी रहा है जिस तरीके से गुंडागर्दी का राज था, पहले सरकार टोटी चुरा के ले गई थी, आप इस तरीके से देख रहे हैं गुंडे सब वो कर रहे हैं कि हमें नहीं रहना, या तो वो जेल में है या फिर वो कहीं और है, आप इस तरह को देख सकते हैं। भैया आप युवा हैं, क्या बदला कैराना में? मैं कैराना में सही बदल गया, युवाओं के बारे में तो सोचो थोड़ा, 3 साल हो गए भर्ती नहीं निकली। नहीं, भर्ती जो निकल रही है, पहले उसमें एक एक समुदाय को मौका मिलता था, आप सबको मौका मिलता। अरे वो तो भाई पहले से मिल रहा है, सब समुदाय को बराबर मिल रहा, सबके सब को, कोई भी पक्ष, कोई वो नहीं है, पक्षपात नहीं बिल्कुल भी। पहले एक समुदाय बतरी भर्ती निकल रही, अच्छा, सुरक्षा का तो बस पूछो ही ना, सब महिलाएं लड़कियां सब सुरक्षित है, मौज आ रही। एक पक्ष को मिलता था क्या पहले? नहीं, सब नहीं मिला था, एक पक्ष ने कौन सा मिला था ना, कह रहे थे ना उसको, अरे कौन सा ने मिला था, सैरों ने मिला था, तो पुलिस वाले ही देख लो यहाँ, सैरों तो अलग अलग बात कर लियो, कौन किस किस के है, बस जो उनसे काबिल है वो होगा, अपनी मेहनत तो बरते होगा, सुनिए तो मिलेगा या किसी और नहीं मिलेगा। सरकार पक्षपात कर रही है या सब पक्षपात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा भाई, कह रहा ना पहले एक ही पक्ष ने वो मिला था, सारों नहीं मिला था भैया, कैसा होगा थोड़ा, अरे नहीं नहीं ये सब कुछ। क्या देखते हैं भैया, क्या दिख रहा है योगी में? दोबारे आ रहे हैं योगी जी भाई साहब। क्यों आ रहे हैं? विकास। कौन सा विकास? सब जगह विकास। वो आप कह रहे थे कि जैन जी ने कल कहा कि बकवास करने आ रहे हैं, वो तो शिलान्यास करने आ रहे हैं, वे तो पीएससी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, सुरक्षा दे के जा रहे हैं, जो हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिल रही है वही तो प्रदान करने आ रहे हैं, उसका तो शिलान्यास करने आ रहे हैं, बकवास करने का आ रहे हैं, जैन जी करने आए थे बकवास, तो जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपने पूछा हमारे से, अब योगी जी दोबारे आ रहे हैं, शांति का माहौल है, सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, थानों में सबकी सुनी जा रही है, सबकी कार्रवाई होती है, उचित कार्रवाई होती है, अब योगी जी दोबारे आएंगे सत्ता में, मतलब आपको लग रहा है जो ये काम करें इनसे फिर से लौट के आ जाएंगे? क्या जी, 100% बिल्कुल 100% लौट के आएंगे भाई साहब। ये रैली नहीं थी, ये उद्घाटन था, इतनी पब्लिक सिर्फ उद्घाटन के लिए आई, रैली होती तो आप इडाल माइक लेके नहीं चलो, रैली नहीं आके रेला होगा, रेले होंगे रेले, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े रेले होंगे। आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए कभी कुछ हुआ? बात हुई, क्या नहीं हुआ बताओ, इतना विकार, पढ़ाई जी, रोजगार तो रोजगार उसके मिलेगा ना, जितनी आदमी की जो है क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा ना, पढ़ोगे थोड़ा रोजगार मिलेगा, बहुत बढ़िया, जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतनी तो रोजगार मिलेगा ना, अनपढ़ होगा थोड़े रोजगार दे देंगे, मेरे हाथ में थोड़े कह देंगे तू MP बन जा, MLA का टिकट मिल जाएगा, जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा मुझे, जितना आने वाली जो है 10 साल में भी किसी को मकान सीमेंट के वो नहीं हुए थे नसीब। यूपी के अंदर इतने मकान बन गए, केरला के अंदर 300 कुछ मकान आ गए, और इससे फालतू क्या चाहिए?
सच है क्या भैया? बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच, 100% रैली से ही आए हो क्या? हाँ जी हाँ, सब रैली से ही आए। जलवा था योगी में कि नहीं? हाँ जी, जलवा जलवा था, बहुत जलवा था, जो पब्लिक में भी जलवा था और जो विकास हुआ उसमें भी जलवा था, और जो आने वाले समय भी विकास उससे भी बढ़कर होगा। अखिलेश यादव तो योगी को चिलम जीवी कह रहे हैं, चिलम जीवी कह के उनका नाम ले, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। जो खुद चिलम जी होगा वो तो चिलम जी की बात ही करेंगे, उसकी उसकी बात करेंगे आने वाले समय में। अखिलेश और योगी में मुकाबला होगा इस बार तो कैसा रहेगा? कैसा क्या रहेगा भाई, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे वहीं से जीतेंगे, कोई से भी जीत पाते, अगर कैनेडा से लड़ेंगे यहाँ से भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कहीं से लड़ो वहीं से जीतेंगे। से लड़ लें अखिलेश की गैल, मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा है रहा मामला, पूरा घुटका है रहा एक तरफा, विकास एक तरफा है रहा, है ही नहीं किसी गैल का। पहले तो बढ़िया रहा विकास, देखो चुगर दे गुई डाल कदी हुई ही नहीं, गड्डू में का चले थे गड्डू में को, ये तो मजा ही आ रहा, इडाल की जिम इडाल की सड़कें हो रही, बस कुकर ही चले जाओ चुगर दे गू, मजा आ रहा जी। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो आप बताओ जी, ये नहीं बता रहे, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस से नेक्स्ट।